2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्क जुकरबर्ग से फेसबुक के हेडक्वार्टर में मिल रहे थे, उस समय मार्क ने बताया कि स्टीव जॉब्स के कहने पर वे भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम आए थे। उसके पहले जब भी हम ये बातें सुनते थे कि स्टीव जॉब्स भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम आ चुके हैं, तब लगता था कि ये सब तो बकवास है, पर मार्क जुकरबर्ग ने इस बात की खुद पुष्टि की, तब विश्वास हर किसी को करना पड़ा। और भी फेमस पर्सनालिटीज, हॉलीवुड के जूलिया रॉबर्ट्स, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स भी नीम करोली बाबा के आश्रम आ चुके हैं, कुछ उनसे खुद मिल भी चुके हैं। तो लोग आखिर अमेरिका से या फिर इतने दूर दूर से नीम करोली बाबा से मिलने आखिर क्यों आते थे? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट टिप था जिसने इतने बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर को प्रोड्यूस किया? क्या वो टिप आपको भी मिल सकता है अगर वहाँ पर आप जाते हैं, तो वो सीक्रेट रेसिपी क्या आपको भी पता चल सकता है? ये सब देखेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा में आज आपके सामने भारत के एक चमत्कारिक आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के बारे में कुछ बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूं। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हुआ। जन्म के वक्त उनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। सबसे पहले हम लोग स्टीव जॉब्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि वो आखिर कैसे, उनसे क्या उनका संबंध है नीम करोली बाबा से। स्टीव जॉब्स अपने शुरुआती दिनों में, जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत नहीं की थी, तब से ही वे भारत की आध्यात्मिकता से प्रभावित थे और वे अपने लाइफ में कुछ भी शुरुआत करने से पहले अपने लाइफ की एक दिशा तय करना चाहते थे। उसके लिए वे भारत आए अपने दोस्त डैन कॉटल के साथ। उस समय बहुत सारे अमेरिकी नीम करोली बाबा से प्रभावित थे और नीम करोली बाबा के बारे में जानते थे, तो स्टीव जॉब्स भी अपने दोस्तों से पूछताछ करते हुए नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। स्टीव जॉब्स 1974 में आश्रम पहुंचे। जब वे आश्रम पहुंचे तो वो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि नीम करोली बाबा 1973 में ही महासमाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब्स की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, पर फिर भी स्टीव जॉब्स उनके आश्रम में रहे। वे वहां पर लंबे समय तक रहे। जब वे वहां पर थे तब उन्होंने एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भी पढ़ा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बुक को जानते होंगे। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग वो बुक पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी फैसिनेटिंग बुक है, आपको योगिक वर्ल्ड में एक काफ़ी अच्छा इंसाइट देगा। भारत से वापस जाने के बाद हम सभी को पता है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी के पहले एम्प्लॉय डैन कॉटल बने, जो स्टीव जॉब्स के साथ भारत आए थे। और उसके बाद सभी चीज़ एक हिस्ट्री है। आज के वक्त में एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लोगों का कहना है कि एप्पल का जो लोगो इंस्पायर्ड है वो नीम करोली बाबा के फेवरेट फल से इंस्पायर्ड है, और वो इस कारण कटा हुआ है क्योंकि उन्होंने उसको नीम करोली बाबा को भोग के रूप में, चढ़ावे के रूप में चढ़ाया था। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि जब स्टीव जॉब्स अपने ज़िंदगी के आखिरी पलों में थे, उस समय अपने बेड पे, अपने तकिए के नीचे वे नीम करोली बाबा के फोटो को रख कर सोते थे। खैर, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये सब बकवास है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, तो अब ध्यान दीजिए कि स्टीव जॉब्स 1974 में भारत आए थे और वे मार्क जुकरबर्ग को एडवाइस किए भारत आने के लिए, नीम करोली बाबा के आश्रम आने के लिए 2004 या 6 के आजू बाजू, जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का स्थापना कर चुके थे। उसके बाद वे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टीव जॉब से मार्गदर्शन लेंगे कि वो कैसे इस परेशानी का सामना करें। तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें सुझाव दिया कि आप नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ, वहाँ पर कुछ दिन रह कर आओ, क्योंकि वहाँ से उनको भी कुछ सीख मिला है। गूगल के फिलान्थ्रोपिक आर्म के हेड लैरी ब्रिलियंट, आप ही सोचिए कि 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए थे, लेकिन 2004 या 6 में भी वो मार्क जुकरबर्ग को 30 साल बाद भी ये सुझाव दे रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके उसका एक्सपीरियंस करके आइए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्टीव जॉब्स के साथ उस समय तक के भी था। गूगल के फिलान्थ्रोपिक आर्म के हेड लैरी ब्रिलियंट ने आश्रम में फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मार्क नाम के व्यक्ति आपके आश्रम में आएंगे और कुछ दिन रहेंगे। उस समय मार्क बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, क्योंकि फेसबुक हर किसी के रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं बना था, तो मार्क जुकरबर्ग को ज़्यादा लोग उस समय नहीं जानते थे।
पर फिर भी मार्क वहाँ पर गए। वहाँ पर वे एक दिन के लिए गए थे, पर उन्होंने वहाँ पर दो दिन गुजारे। इसके साथ ही साथ लगभग एक महीने उन्होंने पूरे भारत में गुजारे, और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज तक के उनके साथ बने हुए हैं, और फेसबुक के डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोग एक और इंस्टेंसेस को समझते हैं जो कि बहुत फेमस है। रिचर्ड एल्पर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो अपने साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करने के लिए LSD ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आपके जानकारी के लिए बता दें, LSD सबसे नशीले ड्रग्स में से एक है। जब भी वो LSD ड्रग्स लेते थे तो उनको लगता था कि वो किसी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस को कर रहे हैं, वो किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको हो रहा है। उसके बाद फिर वो बीच में वो भारत आने का उन्होंने तय किया। उन्होंने सोचा कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, चलिए मैं वहाँ पर जाके समझता हूँ, और वहाँ पर के लोग इतना ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो समझना चाहते थे। तो अपने अन्य अमेरिकी साथियों के से उन्होंने चर्चा किया, और उन्होंने बताया कि वो नीम करौली बाबा के आश्रम जाए। 1967 में वे नीम करौली बाबा के आश्रम पहुँचे। उस समय नीम करौली बाबा से उनकी मुलाकात हुई। वो कई दिनों तक आश्रम में थे, उनके प्रेजेंस से वे मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसके बाद एक दिन उनके मन में अचानक से ख्याल आया कि LSD के साथ मैं एक्सपीरियंस करता था, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस करता था, क्यों ना मैं बाबा जी से इस सवाल को पूछूं। पर वो ऐसी टहल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने किसी ने उनको बुलाया कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। फिर वो बाबा जी के पास गए, और नीम करौली बाबा ने उनसे पूछा, तुम्हारे मन में कोई सवाल है? ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि इस बात को उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ सवाल उनसे पूछने वाले हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पर जाके सवाल को भूल भी गए थे, क्योंकि उनका प्रेजेंस ही इतना पावरफुल था नीम करौली बाबा का, कि उनके सामने सारे सवाल डिसअपियर हो जाते थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो नीम करौली बाबा ने उनसे इरिटेट होते हुए कहा, वो दवाई कहाँ है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा, दवाई, कौन सी दवाई? तो उनके पास खड़े हुए एक व्यक्ति ने इशारा किया कि वो LSD के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो दौड़कर अपने कार से LSD ड्रग्स को लेकर आए, जो कि एक CC में रखा हुआ था। उन्होंने LSD को अपने हाथ में निकाला, LSD के साथ और भी अन्य दवाई निकल गई। नीम करौली बाबा ने एक LSD ड्रग्स 300 माइक्रोग्राम का था। एक LSD टैबलेट 300 माइक्रोग्राम का इतना पावरफुल होता है, जो एक एडल्ट को ईजिली अफेक्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डोज होता है। नीम करौली बाबा ने एक टैबलेट लिया, दूसरा टैबलेट लिया, तीसरा टैबलेट लिया, ऐसा करके वो पूरा डब्बा का पूरा टैबलेट ले गए। एक डब्बे से बहुत कुछ हो जाता है, एक पूरे डब्बे से होता है कि इंसान मर भी सकता है। अभी रिचर्ड एल्पर्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि अब क्या होने वाला है, और वो हैरानी से देखने लगे, और बाबा एकदम मुस्कुरा दिए, और बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। कई घंटे गुजर गए, बाबा अपना नॉर्मल दिनचर्या जीते रहे। उसके बाद फिर रिचर्ड एल्पर्ट ने पूछा कि बाबा ये आखिर क्या हुआ? तो बाबा जी ने उनसे कहा कि जब तुम LSD लेते हो तो 2 घंटे के लिए जीसस क्राइस्ट का अनुभव करते हो, लेकिन मैं तुमको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे तुम खुद जीसस क्राइस्ट बन जाओगे, तुम खुद ऐसा एक्सपीरियंस करने लग जाओगे कि तुमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद से ही रिचर्ड एल्पर्ट रूपांतरित हो गए। उसके बाद से उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया, मतलब उनको बाबा जी ने उनका नाम रामदास रख दिया, और वो बाबा रामदास के नाम से फेमस हुए। बाबा रामदास नीम करौली बाबा की सेवा में बहुत सालों तक के लगे हुए थे। उसके बाद वे अमेरिका वापस गए, और वहाँ पर जाके उन्होंने आध्यात्मिक रोशनी फैलाई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, उनके नाम को समझते हैं। ये इन सब चीज़ की शुरुआत होने से पहले की बात है। एक बार नीम करौली बाबा ट्रेन के कंपार्टमेंट में विदाउट टिकट जा रहे थे। उनका ओरिजिनल नाम तो लक्ष्मण दास शर्मा था। फिर वो जब विदाउट टिकट फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तब ट्रेन के कंडक्टर आए और उनसे टिकट मांगे। उन्होंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। तो उन्होंने उनको ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया, ट्रेन को रोका। उन्होंने बीच में एक गाँव आया था, वहीं पर उन्होंने ट्रेन से धक्के मारकर वहाँ से उनको निकाल दिया। उनको बहुत ही बेइज्जत महसूस हुआ। उसके बाद ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश हुई, पर ट्रेन नहीं चल रहा था। फिर वहीं पर उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट किया, वो जो ट्रेन के ड्राइवर थे और जो भी ट्रेन के ऑफिशियल थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट किया। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो आपने वो साधु को जो बाहर फेंक निकाला है ना, उनको वापस ट्रेन में बैठाइए, फिर ट्रेन चालू होगी। लोगों को लगने लगा ये सब क्या सुपरस्टिशन है, ये सब क्या अंधविश्वास है, पर मजिस्ट्रेट के कहने पर उन्होंने वैसा किया। वो पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन वो जिस गाँव में उतरे थे उसका नाम था नीब करौरी, NEEB
करोरी, नीम करोरी, नीम करोली बाबा ने उनसे कहा कि यहाँ पर मैं एक ही शर्त में आपके ट्रेन में चढ़ूंगा कि आप इस गांव में एक स्टेशन बनाएंगे। लोग उनकी बात मान गए और वो ट्रेन में चढ़े, और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े ट्रेन चलना चालू हो गई। उन गांव के लोगों ने भी नीम करोली बाबा से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप हमारे गांव में ही रुकिए और यहीं साधना कीजिए, और उसी गांव के नाम पे नीम करोली बाबा का मिस प्रोनंसिएशन होते होते नीम करोली बाबा हो गया और ऐसे उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। नीम करोली बाबा एक चमत्कारी महापुरुष थे और उनके बहुत सारे इंस्टेंसेस इधर उधर आपको सुनने को मिल जाएंगे। एक इंस्टेंसेस उनका बुलेट प्रूफ कंबल का है। ये बात रामदास ने, मतलब रिचर्ड एल्पर्ट ने अपने बुक में लिखी है। उस बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, आप उस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इंसाइट देने वाला बुक है। तो उन्होंने बताया कि एक बार नीम करोली बाबा एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में पहुँच गए और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोले कि आज रात मैं यहीं ठहरूंगा। बुजुर्ग दंपत्ति के पास इतने महापुरुष को देने के लिए कुछ नहीं था, पर वो जो भी बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया और उन्होंने वो कंबल उनको दे दिया। कंबल उनको देने के बाद जब रात को नीम करोली बाबा जब सो रहे थे तो उनको बहुत कराने की आवाज़ आ रही थी उन बुजुर्ग दंपत्तियों को। ऐसा लग रहा था कि बाबा बहुत तकलीफ़ में है, उनको गोलीबारी से उनको मारा जा रहा है, ऐसा उनको आवाज़ आ रहा था। वो बहुत परेशान थे। अगले दिन जब वे उठे तब बाबा ने उनको कंबल दिया और लपेट कर दिया और उन्हें कहा कि इस कंबल को खोलना मत और जाओ इसको नदी में बहा दो। नदी में बहाने के लिए जब वो कंबल को लेकर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अंदर बहुत सारा मेटल है, लोहा लक्कड़ वगैरह है जो एक दूसरे से घिसते हुए आवाज़ कर रहे हैं। उन्होंने गए और वो वहाँ पर फेंक दिए और नीम करोली बाबा ने कहा फिक्र मत करो, आपका बेटा लौट आएगा। एक महीने बाद उनका बेटा लौट कर आया। उनका बेटा आर्मी में था और बर्मा के साथ जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पर फ्रंट लाइन पे था। तो उन्होंने एक बहुत ही, उनके बेटे ने एक बहुत ही चमत्कारी इंसिडेंट उनसे शेयर किया कि वो दुश्मन से चारों तरफ से घिर गए थे और उनकी टुकड़ी के सभी लोग मर गए, लेकिन सिर्फ वो उस रात बच गए थे। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा वो कंबल में सो रहे थे, और यहाँ पर से नीम करोली बाबा का बुलेट प्रूफ कंबल फेमस हो गया। नीम करोली बाबा ने, लोगों का कहना है कि नीम करोली बाबा ने उनको बचाया। नीम करोली बाबा एक चमत्कारिक महापुरुष थे। उनके और भी चमत्कार के किस्से हैं जो आप गूगल करेंगे या फिर कुछ बुक्स पढ़ेंगे जो मैंने आपको रिकमेंड किया है तो वो सब में आपको और पता चल जाएगा। भारत में आध्यात्मिकता और अंधविश्वास पे लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विदेश के बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, भारत की आध्यात्मिक संपत्ति को समझते हैं और वे ढूंढ ढूंढ कर भारत आते हैं, यहाँ लाभ लेते हैं, वापस जाके बहुत बड़ा काम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को भी इस आध्यात्मिकता को अच्छे से समझना होगा और आध्यात्मिकता क्या है और अंधविश्वास क्या है इसके फ़र्क को भी अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे हम बनाएं या फिर किन महापुरुष के ऊपर हम बनाएं, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।